इस्लामिक प्रोग्राम सुनने के लिए बाबा ताज मीडिया को सब्सक्राइब करें। या रसूल अल्लाह के नारों से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा बेटा कहाँ से आया? यहीं से आया। कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ। अच्छा बाबू, सुनना बेटा है। हाँ ज़ुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा, उन्होंने दुआ से मैं पढ़ता हूँ। ज़ुल्फ़े सरकार से जब चेहरा निकलता होगा। सबूर कीजिए और मैं शेर पहुंचाता हूँ। मतलब में अगर दिल आपके पास होगा, आप शायरी सुनते हो रांची वालों, तो खड़े हो जाओगे, और अगर आप खड़े हो जाओगे तो मैं भी कोशिश कर लूंगा। ज़ुल्फ़े सरकार से जब परेशानी में हूँ, मगर आपके हौसले की वजह से मैं खड़ा हो गया और मैं कुछ देर इंशाल्लाह ताला आपकी खिदमत कर सकूंगा। फिर से मसला पड़ता अल्लाह।
लेकिन अभी पढ़ देता हूँ, मैं चाहूंगा इन तमाम लोगों की कलम कुर्सी करके मैं एक शेर पढ़ देता हूँ। रांची में बसने वालों और रांची में बैठकर सुनने वालों, आज इतनी दुआएं हैं ना कि मेरी ये तमाम परेशानियां दूर हो जाए। मैं तमाम बुजुर्गों के हवाले से एक वो शेर पढ़ता हूँ जिसको मैंने जहाँ जहाँ पढ़ा है बहुत इस्तकबाल किया, लोगों ने खड़े खड़े इस्तकबाल किया, मगर आज आपने मतले में इस्तकबाल किया। मैं और कहीं जाके कहूंगा, कल हजारीबाग में भी कह सकता हूँ। मैं शेर पढ़ता हूँ, सुनिएगा। जलसे का इमाम स्टेज होता है,
और यहाँ तमाम उलमाए किराम बैठे हैं, तो यहाँ से जैसे आवाज निकलेगी तो आपका जरूरी बनता है कि अगर आपका इमाम अल्लाह ऊपर कहता है हाथ उठाता है आपको भी करना, वो इबादत की जगह सबसे अफजल इबादत है। देखो ये भी इबादत की जगह है, ये जन्नत की क्या जगह है। बड़े बड़े उलमा इकराम से सुना है कि जहाँ अल्लाह का जिक्र होता है उसके रसूल का, वो जन्नत की क्यारी है। तो आप जन्नत की क्यारी में बैठ करके आप नाते रसूल पढ़िए, ऐसे तुझसे मेरा कलाम पढ़ी देते हैं, थकान इन लोगों में होती है।
देखिए अभी अभी देखना हो कहिए हिंदुस्तान मानवर से भी अल्लाह सलामत रखे। मैं शेर करता हूँ ये तमाम तरह जिनके मैं नाम नहीं जानता, इतना तो जरूर है कि जो जर्रा जहाँ है वही आफ्ताब। सबके चेहरे खूबसूरत, कलम बहुत मजबूत, अल्लाह अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, लेकिन शेर सुनने से पहले आपको कहना पड़ेगा या रसूल अल्लाह, खाना पड़ेगा कैसे तुझसे मेरा महबूब कैसे तुझसे मेरा महबूब दिली पटिता हो कैसे तुझसे मेरा महबूब पटिता बहुत बहुत शुक्रिया भाई का। चलो अच्छी बात है, भाई है सलाम पहुँचा, बहुत अच्छा पढ़ते हैं तो मेहमान होबे करता है कैसे तुझसे मेरा महबूब नहीं करूंगा। कितनी खुशी बाती है
Thank you.